इसमें जो भी सारी बेसिक चीजें थी कल मैंने बता दी थी आपको, यानी आर्टिकल कितने हैं, शेड्यूल कितनी है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बता दिए थे, ये सब मैंने बता दिया था। उसके बाद कल हमने एक चीज और डिस्कस किया था, स्टेट क्या है ना, और स्टेट के जो अंग है उनकी हम लोगों ने बात करी थी। स्टेट के तीन अंग कौन कौन से, स्टेट के तीन अंग किसे किसे माना गया है, थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट हमने डिस्कस किया था ना, थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट कौन कौन है, किसे कहेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको कहा गया स्टेट के थ्री पिलर्स। उसके बाद जो संसद है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के तीन अंग किसे माना गया, हाँ संसद के तीन अंग और राष्ट्र, ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, ये सब मिलकर ही कानून बनाएंगे और राष्ट्रपति उस कानून को लागू करेगा। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत होती है प्रीएम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे हो रही है, प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल को हिंदी में बोला गया उद्देशिका, उद्देशिका यहाँ से देखिए यूज किया गया उद्देशिका, प्रीएम्बल के लिए क्या करता है उद्देशिका, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में हम इसी को हम बोल देते हैं प्रस्तावना, इसी को हम प्रस्तावना भी कह देते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है उद्देशिका, यानी कि संविधान के उद्देश्य को बताएगा ये प्रीएम्बल, क्या कर रहा है प्रीएम्बल, संविधान के उद्देश्य को बता रहा है कि आखिरकार किस लिए इस संविधान का निर्माण हुआ है, नागरिकों को क्या प्राप्त होने वाला है, राज्य के लिए कैसे स्टेट बनाने की संकल्पना है हमारे संविधान सभा के सदस्यों की, यानी जो हमारे संविधान निर्माता है वो किस एम के साथ संविधान को बना रहे हैं, है ना, यानी कि एक उसका उद्देश्य संविधान का वो किसमें हमें दिख रहा है, प्रीएम्बल में, उद्देश्य का में। ओके, तो यानी कि आप अगर सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लें, संविधान का प्रीएम्बल को पढ़ लें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आगे अंदर संविधान में किन किन चीजों पर बात की गई है ना, किन किन टॉपिक पर चर्चा की गई है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं प्रीएम्बल की लैंग्वेज लिखता हूँ ना, उसी तरह समझेंगे। तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, क्या कह रहा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, पहली लाइन में क्या कह रहा है, हम भारत के लोग, यानी कि इसमें सोर्स ऑफ पावर किसे कहा गया है, सोर्स ऑफ पावर कहा गया है भारत के लोगों को, यानी कि हम बना रहे हैं संविधान, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, हम यानी भारत के लोग, कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं, तो भारत बनाना चाह रहे हैं जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवाद हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो और गणराज्य रिपब्लिक। ठीक, अब इसको अभी बात करते हैं क्या गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके सभी नागरिकों को, तथा देश के सभी नागरिकों को, तथा देश के सभी नागरिकों को, तो पहली पैराग्राफ पे तो बोल दिया कैसा हम भारत बनाने वाले हैं, तो भारत हम ऐसा बनाने के विचार है। ठीक, फिर तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, क्या बोल रहा है में, तथा देश पहले में बढ़े थे कि भारत कैसा होगा, ऐसा, फिर नागरिकों को क्या क्या मिल रहा है, तो देश के सब
सभी नागरिकों को, ये हमारा संविधान है ले रहा है, संविधान हमारा ऐसा भारत बना रहा है, संविधान हमारा नागरिकों को यही अधिकार देगा। ऐसा अधिकार देश के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार विश्वास धर्म एवं उपासना की, विचार अभ्यक्त विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभ्यक्त विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, फिर प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, ठीक है। पहले पैराग्राफ में उसने भारत के लिए बात किया कि भारत कैसा होगा, दूसरे पैराग्राफ में कहा कि जो भारत के नागरिक है उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, तो भारत के नागरिकों को तीन तरीके के अधिकारों की बात कर रहा है, यानी कि भारत के नागरिकों को न्याय मिलेगा, और न्याय भी कैसा होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय, फिर नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता भी कितने तरीके की, विचार की स्वतंत्रता, अभ्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता मिलेगी, समानता इक्वेलिटी, कैसी इक्वेलिटी, प्रतिष्ठा की, ठीक है, और अवसर की अपॉर्चुनिटी, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलेगी, तथा उन सभी में, तथा उन सभी में, उन सभी में का मतलब है सभी नागरिकों में, तथा उन सभी में व्यक्ति की, तथा उन सभी में राज्य तथा उन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता एकता एवं बंधुता, एकता एवं उन सभी में एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली, तथा उन सभी में एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तीसरे लाइन में क्या कह रहा है, तथा उन सभी में जो सभी नागरिक है, सभी में राष्ट्र के प्रति एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो अलग अलग पैराग्राफ में बाकी पढ़ो, पहले पहले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, राष्ट्र जैसा होगा तो पांच तरीके के राष्ट्र की संकल्पना कर दी गई, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है सोवरेन स्टेट, सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है कि जब देश अपने सभी कार्यों को या सभी निर्णयों को खुद से किसी दूसरे देश के प्रभाव में आकर के ना ले, तो ऐसा देश कहलाएगा सोवरेन कंट्री। क्या आप सोवरेन हैं, अगर आप पूछो कि आप सोवरेन हैं तो आप देखेंगे क्या आप अपने सारे निर्णय खुद ले सकती हैं, क्या आपका ये निर्णय आपको खुद कहे कि मैं बाजार जाना है कि मैंने मम्मी से पूछना पड़ेगा, तो जब आप अपने निर्णय खुद ले पाएंगे तब आप क्या कहेंगे सोवरेन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने बारे में निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार जब स्वयं का हो तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सोवरेन। तो ऐसा देश जब अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को खुद से किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के न ले, किसी दूसरे के दबाव में आकर न ले, तब ऐसा देश कहलाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो हमारा संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाता है, यानी कि एक ऐसा देश बनाता है जो अपने सारे डिसीजन खुद ले सके, चाहे आंतरिक डिसीजन हो चाहे बाहर डिसीजन हो, धन बाहरी किस देश के साथ हमें अपने संबंध स्थापित करने हैं, किस देश के साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ शत्रुता रखनी है, व्यापार किसके साथ करना है, आंतरिक मामले, यानी सारे आंतरिक अभाव मामलों पर खुद का निर्णय, ठीक है, जो भी हमारे आंतरिक मामले हैं हम क्या कर रहे हैं वो सब महान
तो ऐसा देश क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, तो हमारा संविधान भारत को एक ऐसा देश बना रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवाद, समाजवाद मतलब सोशलिस्टिक कंट्री। समाजवाद, समाजवाद यानी कि समाज के प्रत्येक जो व्यक्ति है उनमें इक्वालिटी है, यानी समानता, समाजवाद। ठीक है, अब यहाँ पर जो समाजवाद है, समाजवाद भी यानी अलग अलग देशों ने समाजवाद की अलग अलग संकल्पनाएं ली, जैसे कि रशिया उसने साम्यवाद को स्वीकार किया, साम्यवाद। ठीक, चाइना ने माओवाद को स्वीकार किया। अभी साम्यवाद माओवाद ये है क्या, है ना? तो साम्यवाद के विश्व में दो तरीके से चलता है, एक है साम्यवाद और एक है पूंजीवाद, कैपिटलिस्टिक। जो पूंजीवाद है उसका मसीहा है अमेरिका, अमेरिका पूंजीवाद का उपयोग नहीं करता, है ना? जो रशिया है वो साम्यवाद। ठीक, अब रशिया का जो साम्यवाद है वो क्या है? रशिया में साम्यवाद के मतलब इक्वलिटी नहीं करती है, समानता। साम्यवाद ने, रशिया ने एक ऐसा साम्यवाद अपनाया, उसने कहा कि समाज में जो वर्ग हैं, तो जो ऊंचे वर्ग हैं, उछले तबके वाले, यदि जिनके पास पैसा है, सभी संसाधनों पर उसने अपना कब्जा कर रखा है, और एक वर्ग ऐसा होगा जो बड़ा शोषित होगा, है ना, जिसमें सर्वहारा वर्ग या सर्वहारा वर्ग के अलावा क्या है, इसमें उसने कहा कि ऐसा वर्ग जो कि शोषित है, एक शोषक वर्ग है जो कि सारे संसाधनों पर अपना कब्जा करके रखा, एक वर्ग है शोषित वर्ग जिसमें फार्मर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं। तो रशिया में जो साम्यवाद चल रहा है उसमें ये कहा गया कि जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वो विद्रोह करे उन ऊंचे तबके वालों के, है ना, विद्रोह करे और विद्रोह करके उनसे सारे संसाधनों को छीन ले। ठीक है, उत्पादन के सभी संसाधनों को क्या करे, वो छीन ले, उसमें अपना कब्जा कर ले, और अपना कब्जा करके वो अब उस सारे संसाधनों का क्या करते, वितरण करने समाज। सिंपल सी भाषा ये है कि एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी समाज में दस होंगे, उन्होंने सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर रखा है, तो एक समय गरीब लोग उठे और उनके विद्रोह करें अमीरों के खिलाफ, और उनसे उनका सारा कुछ छीन लें, और सारा कुछ छीन सब पैसा गरीबों में बांटे, तो ये तो एक क्रांति ऐसे आ जाएगी समाज का, ये तो संभव ऐसा आ जाएगा। चाइना एक कदम आगे ले गया, उसने कहा माओवाद, चाइना का जो राष्ट्रपिता माओ ज़ेडुंग, तो माओ जो माया विराम है उन्होंने कहा कि इक्वलिटी में एक कदम और आगे बढ़ गया, उसने कहा कि जो मजदूर वर्ग है ये उन्हें हथियार हो गया, और हथियार के कारण क्रांति करो, जो उन्हें अमीर आदमी और उनको मार देगा सुनना पड़ेगा, और सब उनका पैसा छीन के समाज में बांट देंगे, ऐसे हम ऐसी समानता नहीं लाएंगे, भारत का हम समानता ऐसे लाएंगे जो अमीर आदमी वो अमीर बना रहे, हम गरीब आदमी को ऐसे क्या करेंगे, ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे कि वो भी अपना विकास करके अमीर बन जाए, हम क्यों हमें छीन के गरीब में बांटे, हम क्या करेंगे, हम गरीब व्यक्ति को हम ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे कि वो भी अपना विकास करे, और वो भी अपना क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, अपना उत्थान कर सके। तो भारत ने ऐसा समानता अपनाई और उसके बाद समाजवाद, तो भारत ने कहा हम नहीं, भारत कैसा होगा, भारत हो एक समाजवाद, हमारा संविधान भारत में ऐसा समाजवाद लाना चाहता, समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, इक्वल। ठीक, तीसरा बड़ा पंचनिरपेक्ष, पंचनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, ना भारत का हिंदू धर्म होगा, ना मुस्लिम धर्म होगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, और भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सक्षम नहीं देगा, भारत कोई भी ऐसे कर आरोपित नहीं करेगा जिससे किसी एक धर्म को प्रोत्साहन मिलता हो, नहीं भारत ये नहीं कहेगा कि आप हमको जो है जजिया कर दीजिए, जजिया कर दीजिए, तो जजिया कर एक्चुअली में एक तरीके का धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम राजाओं के द्वारा, मुस्लिम शासक उनके द्वारा वसूला जाता था गैर मुस्लिमों के, जो गैर मुस्लिम थे उनसे वसूला जाता था जजिया, तो एक तरीके से धार्मिक कर हुआ, क्यों, क्योंकि अगर आप गरीब हैं और आपके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करिए, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, मतलब ये तो हुआ जजिया वसूला जा रहा है, अब सामने वाले व्यक्ति के पास जजिया टैक्स छुपाने का पैसा नहीं है, खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं, टैक्स कहां से चुकाएगा, तो वो जो है टैक्स कहां से देगा, उसके पास खाने का पैसा नहीं, तो क्या करेगा फिर, तो इस्लाम तो राज्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे, ना ही किसी एक धर्म को संरक्षण देगा, वो इक्वल रहेगा सभी के प्रति, सभी धर्मों के प्रति इक्वल आदर रखेगा, सभी को इक्वल जो है अपना प्रोटेक्शन देगा, तो देश क्या हो गया, एक पंथ निरपेक्ष हो गया, है ना,
कोई भी एक धर्म को लेकर नहीं चलेगा, सभी धर्मों के प्रति समान होगा। ठीक, चौथा हो गया लोकतांत्रिक, यानी भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेगा, लोकतांत्रिक देश है ना। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अब देखो डेमो का मतलब है डेमो, डेमो का मतलब होता है जनता, डेमो जो है ये लिया गया डेमोस वर्ड से, डेमोस एक लैटिन वर्ड है डेमोस, और इस डेमोस का मतलब होता है जनता। ठीक है, और जो फ्रेसी वर्ड है ये लिया गया है लैटिन वर्ड प्रेटस, प्रेटस इसका मतलब होता है शासन, शासन। यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, जनता का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जनता का शासन, जनता शासन कर रही है। अब जनता शासन कैसे करेगी, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। चुनाव हुए, चुनाव में जनता ने अपने कैंडिडेट को वोट दिया और अपने कैंडिडेट को एक पावर दे दी कि आप हमारे बदले में जाकर के संसद में बैठिए और हमारे लिए कानून बनाइए। तो जनता ने जो शासन किया, जनता ने तो चुना अपना प्रतिनिधि, अगर वो सही से जनता के लिए काम नहीं करेगा तो फिर उसे 5 साल बाद जनता उसको उतार देगी, उसको वोट नहीं देगी। तो ये जनता ने जो शासन कर रही है बस अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, और उस प्रतिनिधि को पावर कैसे मिलेगी, आपके वोट के द्वारा। तो शासन आप कर रहे हैं, लेकिन आप शासन कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली शासन आप कर रहे हैं। शासन तो आप रहे होगी, वो व्यक्ति आपका बैठा है, आप पहुंच चुके भैया, लेकिन आप पूरे चुके 140 करोड़ लोग तरीके निवास से बैठ ना पाए बैठे, तो कुछ लोगों को सिलेक्ट करके चुनके भेज दिया जाएगा चुनाव के द्वारा। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन। तो भारत कैसा देश होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, यहाँ पर सरकार जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब सरकार जनता के द्वारा चुनी जाए, है ना। तो हम सरकार हम ही तो चुनते हैं, बीजेपी को हम ही तो वोट देकर के इतने सीटें जिताए, अगर बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई तो सरकार बन गई। ठीक, जब भी हम चाहें जाते 5 साल बाद हम चाहें तो बीजेपी को हम सत्ता से हटा देंगे, दूसरी किसी पार्टी को हम बैठा देंगे, उसका प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, यानी वहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे और चुनाव के द्वारा जनता को भेज करके शासन करेगी। ठीक, फिर अगला वर्ड आता है गणराज्य, गणराज्य का मतलब है रिपब्लिक, गणराज्य का मतलब क्या है रिपब्लिक, यानी भारत एक रिपब्लिक कंट्री होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च पद है वो कोई वंशानुगत पद ना होकर के वो चुना हुआ जनता के द्वारा एक निश्चित समय में चुना जाए। ठीक है, तो भारत में जैसे राष्ट्रपति का जो पद है प्रेसिडेंट, भारत में प्रेसिडेंट का जो पद है वो दिखाता है कि भारत एक रिपब्लिक है, यानी भारत का पहली बात एक संविधान, संविधान में सरकारी शासन चले, और दूसरा जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद कहते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति भले इनडायरेक्टली लेकिन हमारे द्वारा चुना, हमने चुना एमएलए एमपी को, और एमएलए एमपी ने जब चुना राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है, इनडायरेक्टली हमारे द्वारा चुना गया, लेकिन चुना किसने, हमने। ठीक, तो जब किसी देश में जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत ना होकर के एक निश्चित अंतराल में जनता के द्वारा चुना जाए, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। एमएलए होता है मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, जो आपके स्टेट है, इनका जो विधानसभा है उसके सदस्य को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, विधायक, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहते हैं एमपी, जिसे कहते हैं सांसद, केंद्र का ही राज्य का। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहां पर क्राउन का पद है, इनका भी सेकंड डेथ हो गई, तो इनके स्थान पर कौन बना, चार्ल्स, इनके स्थान पर बना चार्ल्स थर्ड, जो एलिजाबेथ सेकंड है उनके जो पिता जॉर्ज VI
उनके कोई पुत्र नहीं था, बस एक पुत्री थी। तो राजा का सूर्य पुत्री ही बनेगी राजा, तो अब पुत्र कोई था नहीं तो दूसरी बनेगी राजा अपने पिता के स्थान पर। अब चूंकि पुत्र है ना, तो वो जेम्स थर्ड नाम से वो बन जाएगा ठीक। तो आप जो है एलिजाबेथ सेकंड मरी, उसके स्थान पर जेम्स थर्ड हो गया। तो अब ये सब यानी कि जो सर्वोच्च पद है वो क्या वहां पर चुना हुआ है क्या, नहीं कौन सा पद है राजा का बेटा ना, तो क्या वो रिमेंबर करती है नहीं, वहां पर क्या सिस्टम रहता है, वहां पर क्या कंट्रोलर बना की कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मनाती है राजशाही भी। ठीक है, तो ये तो हो गया इतने तरीके के, मतलब बात कर रहा है कि ऐसा हमारा एक देश होगा, हमारा संविधान होगा। और शक्ति का स्रोत कौन है, शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग, शक्ति का स्रोत। अगर कभी आपसे पूछा जाता है बताइए हमारे संविधान के अकॉर्डिंग शक्ति का स्रोत क्या है और जो पावर क्या है, ऑरिजिनल पावर है हम भारत के लोग। ठीक है, फिर वो कहेगा दूसरा क्वेश्चन कि एक कैसा भारत बनाने की संकल्पना हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने लिखी। तो कैसा भारत, एक संपूर्ण प्रभु संपन्न भारत, समाजवाद, पंद्रह लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब एक चीज देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस दौरान हमारे संविधान में तीन शब्द नहीं थे, कौन कौन, ना तो समाजवाद ना तो पंथ निरपेक्ष था और ना एक शब्द था अखंडता। ठीक है, तो तीन वर्ड नहीं थे, ना तो समाजवाद था, ना पंथ निरपेक्ष था, ना ही वर्ड था अखंडता। पंथ निरपेक्ष की जगह पर शब्द इस्तेमाल था धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया हुआ था, धर्म निरपेक्ष। हमारे मूल संविधान में ना तो समाजवाद था, ना ही धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष था और ना ही अखंडता शब्द था। ठीक,
यहाँ पर पंथ निरपेक्ष चीज है, हमने कौन सा वर्ड यूज किया, वो था धर्म निरपेक्ष। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी का गठन किया, एक आयोग का, और उस आयोग का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। देखो क्या नाम है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया, और इसके द्वारा हमारे संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और संविधान में संशोधन करके समाजवाद शब्द जोड़ा गया, धर्म निरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन आता है, ये बताइए हमारे मूल संविधान में मूल शब्द और संविधान में से कुछ के लिए कब जोड़ा गया, 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, एक तो यहां से ऐसे क्वेश्चन बना, तो यहां से जितने तरह के क्वेश्चन बने उस समय बता दिया। ठीक, ये सारे वर्ड्स का क्या डिफिनेशन है वो मैंने बता दिया, कब ये वर्ड जुड़ेगी वो मैंने बता दिया है ना। अब आते हैं हम इस वर्ड पर, क्या लिखा हुआ है, तथा देश के सभी नागरिकों को, यानी हमारा संविधान ही दे रहा है, इसलिए हम कहा जाता है हमारा संविधान है, या हमारे संविधान में कैसे है कि भारत के लोग ही, यानी कि स्वयं जनता ही, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कर रही है, जनता ही शासन कर रही है, जनता के लिए ही कर रही है, और जनता के द्वारा ही कर रही है। शक्ति का स्रोत कौन है, जनता होती है। शासन किसके लिए हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, तो जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा ही है, और जनता के लिए ही है ना। ये वर्ड याद रखिएगा, हमारा संविधान क्या बोलता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक, यानी कि सारी पावर जनता के पास ही है, सारा काम जनता के लिए हो रहा है, और जनता के द्वारा ही। ठीक है जी, चलिए अब ये कह रहा है कि हमारा जो संविधान है वो देश के नागरिकों के लिए क्या क्या दे रहा है, तो देश के लिए ऐसा देश होगा। अब देश के नागरिकों को क्या क्या मिल रहा है, संविधान से क्या लिखा, तथा देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तीन प्रकार, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय की बात की गई। ठीक है, फिर पांच तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी कि नागरिकों को तीन तरीके का न्याय उपलब्ध कराएगा संविधान, पांच तरीके की स्वतंत्रता उपलब्ध कराएगा संविधान, विचार की स्वतंत्रता, अब व्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, तो आप विचार, आप कोई भी विचार रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, आप विचार कर सकते हैं कि राहुल गांधी बप्पू है, आप विचार कर सकते हैं कि मोदी जी बिप्पू है, आप अपना कोई भी विचार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र विचार कर सकते हैं। ठीक, साथ ही अव्यक्त, यानी कि एक्सप्रेशन, आप अव्यक्त जैसे आप चाहे अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपको अपने देश के प्रति अपना प्रेम दिखाना है तो आप शांत लाने वाला होते हैं, आप राष्ट्रगान गा के भी दिखा सकते हैं, आप झंडा फहरा के भी दिखा सकते हैं, आप सिनेमा घर में खड़े होकर भी दिखा सकते हैं सम्मान। तो विचार की स्वतंत्रता, आप कैसा भी अपना विचार रख सकते हैं, अपना स्टैंड, आप एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति जैसे आप अभिव्यक्ति चाहे एक्सप्रेशन चाहे आप वो ऊपर सकते हैं, राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए। ठीक है, आप विश्वास, आप जैसा चाहे विश्वास कर सकते हैं, जिस धर्म में चाहे, जिस पार्टी पर चाहे, हाँ, जिस सरकार पर चाहे, जिस व्यक्ति पर चाहे, आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करता। फिर आता है धर्म, आप जो भी चाहे वो धर्म आप अपना सकते हैं, कोई भी धर्म अपना लीजिए, या फिर आप कोई भी धर्म अपनाइए, आप कह दीजिए मैं जो है कोई धर्म नहीं अपना, मेरा कोई धर्म नहीं है, आप कोई धर्म अपनाइए, आप हिंदू है आपकी बड़ी इच्छा करती है बहुत धर्म की, और आप कोई धर्म अपना लीजिए, आप इस्लाम धर्म की प्रति बड़ी इच्छा करती है आप इस्लाम अपना लीजिए,
यानी आप कोई भी धर्म जो धर्माकर्षण आ रहा है उस धर्म में आप क्या देखेंगे, कोई भी धर्म, ठीक है ना। तो वो अभी आपको हमारा संविधान उसकी भी स्वतंत्रता देता है कि आप कोई भी धर्म चाहे आप अपना ले, और उपासना जो भी धर्म आपने अपनाया है उस धर्म के अकॉर्डिंग उसको क्या करिए, उसकी उपासना। आपने हिंदू धर्म अपना ले रहा है, आप आगे मुस्लिम जाके पूजा पाठ करो, आप किला जलाओ, आप हमारे धर्म आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म में है, आपको इस्लाम धर्म का बड़ा अच्छा चीज लगती है जो है वहाँ पूर्ण हो जाए, मैं मस्जिद जाऊँगा भाई सुंदर जैसे चाहिए आप उपासना कर सकते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग। कोई भी धर्म आप जो आपकी इच्छा अपना अपना लो, जो धर्म के अनुसार जैसे उपासना है अपना लो, लेकिन हाँ आपकी ये जो उपासना है धर्म जो आपकी स्वतंत्रता है इस स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। आप कह रहे हैं कि मेरा तो धर्म दे जाता है हमारा जैसा हो, लेकिन मैं हमारा जैसा बिल्कुल डीजे लगा के कहूँगा बिल्कुल सुबह 4 बजे और डीजे लगा के वहाँ बिल्कुल जब रात 12 बजे तो वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति सुनता बाजे को देखते हो, क्योंकि उस व्यक्ति का अधिकार है रात को सोना कह रहे नहीं और आप उसको रात को सोने नहीं देंगे। आप कह रहे सुबह 4 बजे मैं घर की नमाज पढ़ूंगा अजान करूंगा, ठीक है भाई, और मैं मस्जिद यहाँ मैं 10 किलोमीटर दूर तक मैं लगाऊंगा। आप क्या कहेंगे मेरा धर्म मुझे इसकी आपके हित में देंगे ना कि मेरा धर्म मुझे कह रहा है मैं जैसे चाहूं उपासना करूं, लेकिन आपके उस उपासना के अधिकार से दूसरे सामने वाले व्यक्ति की रूपा दूसरे सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो, तो आप उस स्वतंत्रता वही न मिले जहां किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, वरना आपकी स्वतंत्रता पर रोक भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्वतंत्रता कैसे रहेगी, 5 रहेगी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर उसके बाद दो तरीके की समता की बात की गई है, दो तरीके की इक्विटी की बात की गई है, प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा समाज में आपका क्या हो, एक प्रतिष्ठा हो आपकी, ऐसा नहीं कि आप बाहर निकला पुलिस वाला आपको लात मारा चला गया, आपकी भी क्या डिग्निटी प्रतिष्ठा सम्मान। तो जीवन को हमारा संविधान ये कहता है कि जीना है पर्याप्त नहीं है, जीना है कैसा प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन, ठीक है। तो हमारा संविधान है वो दो तरह की समता की बात करता है, एक प्रतिष्ठा की समता यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो इक्वल है, ऐसा नहीं हमारा संविधान ऐसा नहीं मानेगा कि मुकेश अंबानी की प्रतिष्ठा अलग है और एक गरीब आदमी की प्रतिष्ठा अलग है, नहीं सबकी दोनों की इक्वल प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा उसकी है वही प्रतिष्ठा इसकी है और दोनों को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का, ठीक है। तो हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा का अधिकार है। एक दूसरा अवसर की समता, प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक। ऐसा नहीं है कि फलाने जो ए नाम से जो व्यक्ति जिसका नाम स्टार्ट होता है ए नाम से उसको ज्यादा उसको 3 मिनट दे दिया जाएगा ना, और जिस व्यक्ति का नाम वाई से स्टार्ट होता है वो एक मिनट एक ऑप्शन दे देगा, नहीं अवसर की समता। यूपीएससी का फॉर्म प्रत्येक व्यक्ति भर सकते हैं, यही बनाया जाएगा यूपीएससी कि पुरुष नहीं बनेगी कि कोई ओबीसी व्यक्ति नहीं बनेगा, एस सी व्यक्ति बने नहीं, सभी लोग प्रत्येक राज्य का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह की समता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, या तो कोई दिक्कत, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए तो दो तरीके की क्षमता हो गई। आगे क्या कह रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए यहाँ तक हो गया तीसरे पैराग्राफ में, तथा उन सभी में, उन सभी मतलब प्रत्येक देश के नागरिक को, तथा उन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि जहां एक और हमारा संविधान नागरिकों को अधिकार दे रहा है, नागरिकों को न्याय का अधिकार, संविधान का अधिकार, सत्ता का अधिकार, वही नागरिकों से ये भी अपेक्षा रख रहा है कि नागरिक ऐसा काम करे जिससे राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कोई भी काम न करे जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता का वो बाधित हो,
राष्ट्र के कई सारे टुकड़े होने की संकल्पना पैदा हो रही है ना। तो ये प्रत्येक नागरिक से, हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो। यही तो कह रहा है। और हमारा संविधान ऐसा प्रयास करेगा कि राष्ट्र के जो सभी नागरिक हैं देश के, उन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ब्रदरहुड, यानी देश के सभी जो नागरिक है वो आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ बंधुता है ना। हमारा संविधान ऐसा प्रयास करेगा कि देश के नागरिकों में ऐसी बंधुता, ब्रदरहुड ऐसा उत्पन्न हो जिससे वो सब मिल करके आपस में भाईचारे के साथ रहे, ठीक। और राष्ट्र कैसा बने, हमारा राष्ट्र हमारा अखंड बने, है ना। राष्ट्र में यूनिटी आए, एकता, अखंडता, है ना। तो केवल आप समझ गए, हमारा संविधान जहाँ लोगों को अधिकार दे रहा है वही लोगों से कुछ अपेक्षाएं भी रख रहा है। अपेक्षाएं समझ गए ना आप लोग, अपेक्षाएं लोगों से ये कुछ आशा भी रख रहा है कि भाई हम ही थोड़ा सा कुछ करेंगे। नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य है, तो नागरिकों का कर्तव्य क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाए, ब्रदरहुड बढ़ाए, आप मिलजुल करके रहे भाईचारे के साथ, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देते हैं, तथा उन सभी में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर, यानी बिल्कुल कसम खाकर, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में दृढ़ संकल्पित होकर, अपनी संविधान सभा में एकत्रित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में एकत्रित होकर आज दिनांक, एकत्रित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा एकत्रित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, फिर उसके बाद एक डेट दी है हिंदी में, एतद द्वारा, एतद द्वारा मिति मार्गशीर्ष, एतद द्वारा मिति मार्गशीर्ष तैयार कर देगा। आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा मिति मार्गशीर्ष, एतद द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, एतद द्वारा मिति, मिति मतलब तारीख, मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष का यानी अग्रहण का महीना, ठीक है। मार्गशीर्ष करते हैं अग्रहण को, नवंबर में जो है ना, तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये दिया हुआ है तारीख, किस दिन संविधान लागू हुआ। तो क्या कह रहा है, संविधान सभा में दृढ़ संकल्पित होकर आज हम सब एकत्रित होकर दिनांक 26 नवंबर 1949, ये तो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 26 नवंबर 1949, लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो आज कौन सी मिति होगी, यानी आज कौन सी दिनांक है 26 नवंबर 1949 को, ग्रेगोरियन में दिया हुआ है एतद द्वारा मिति मार्गशीर्ष, मिति मतलब महीना, यानी मिति कौन सी है, तो मार्गशीर्ष का महीना है, महीना पहले बता दिया, अब मार्गशीर्ष हम कहते हैं अग्रहण का महीना, कैलेंडर में अग्रहण का महीना नवंबर लास्ट नवंबर से लेकर स्टार्टिंग नवंबर तक चलता है अग्रहण, ठीक है भाई। देखो 26 नवंबर है ना, तो महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, शुक्ल पक्ष में सप्तमी है, और ईयर कौन सा है, इस संवत, संवत ईयर, ईयर कौन सा है 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा संवत यूज किया जाता है, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत में 2006 ईयर चल रहा, विक्रम संवत में 2006 ईयर, दिन कौन सा है, दिन है शुक्ल पक्ष की सप्तमी और महीना है मार्गशीर्ष, वही यहाँ पे इसने दे दिया कि दिन कौन सी डेट है 26, महीना कौन सा नवंबर और ईयर है 1949, ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1949 और हिंदू कैलेंडर में क्या है 2006। तो आप समझ, आप इस चीज को डिसाइड कर लीजिए
कैलकुलेट कर लीजिए कि जो हिंदू कैलेंडर है वो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने ईयर आगे चल रहा है, 57 साल, 1989 है, 2006 है, तो 57 ईयर हो गया ना ये, है ना। तो जो हमारा विक्रम संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे है। तो ये भी डेट याद रख लेना, करा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। संविधान सभा में एकत्रित होकर यहाँ से हटा दो, वहां लिखेंगे संविधान सभा में आज 26 को एकत्रित होकर अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं ठीक है, तो हो गया। तो संविधान और इसको देखो, किसने इसको अंगीकृत किया, अंगीकृत का मतलब होता है इसको स्वीकार कर लेना, अधिनियमित मतलब होता है इसको लागू कर देना, और आत्मार्पित मतलब होता है अपनी पूरी आस्था के साथ इसको, मतलब अपनी पूरी आस्था इस पर रखना है ना, यानी आत्मा से इसको स्वीकार कर लेना। तो ये भी किसने किया, ये भी तो किया ना संविधान सभा के सदस्यों ने, क्या लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प में तो अपनी संविधान सभा में एकत्रित होगा, यानी कि इसको लागू भी हम ही कर रहे हैं, बनाया भी हमें, लागू भी हम ही कर रहे हैं, अधिनियमित मतलब लागू कर रहे हैं, है ना, अंगीकृत भी हम ही कर रहे हैं, अधिनियमित भी कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा परिपत्र, ये हो गया पूरा पूरा परिपत्र, ठीक, पूरा हो गया परिपत्र। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता, ठीक। सबसे पहला केस कौन सा है, वेरू वाली केस आया 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अब चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। फिर दूसरा केस है गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस, इस गोलकनाथ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इसलिए उसको संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हुआ।
फिर तीसरा देश आया केशवानंद भारती के 1973। केशवानंद भारती तीसरा देश कौन सा आया? केशवानंद भारती के 1973। और इस देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उस पर संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 368 मैंने आपको बताया था भाग 20, उसको मैंने कहा था संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। आप भी आर्टिकल 368 में दिए गए प्रावधानों के तहत संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होता था, नहीं संशोधन होगा। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि प्रीएम्बल संविधान का भाग है और इसके संशोधन किया जा सकता है। अर्थात 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और 1976 में पहली बार प्रीएम्बल में संशोधन हुआ है, और एक मान अभी तक संविधान में प्रीएम्बल में एक ही बार संशोधन हुआ, कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ, प्रीएम्बल पूरे संविधान में अभी तक 104 बार संशोधन हो गए, लेकिन प्रीएम्बल में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें संशोधन करके प्रीएम्बल में वर्ड जोड़ दिए गए कौन कौन? समाजवाद, धर्म निरपेक्ष, इस्लाम पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा आता है कि प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है तो प्रीएम्बल में अभी तक मात्र एक ही बार संशोधन। ठीक है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रीएम्बल संविधान का भाग है और उसमें संशोधन हो सकता है, तो हम बनाएंगे केशवानंद भारती। ठीक है, इसी के अलावा संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह भी माना, इनमें से एक सदस्य थे एएमसी, उन्होंने यह भी माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आईना है, आईना आईना यानी कुंजी है, यानी कि अगर संविधान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम प्रीएम्बल के लेकर के हम उसका क्या बना एक दिन सब जो प्रीएम्बल देख करके हम समझ सकते हैं कि पूरे संविधान में क्या दिया गया है, संविधान का मूलभूत क्या है। भाई हमारे संविधान में लिखा हुआ है न्याय, तो बताओ इसे समझना है कि भाई अगर आपके प्रेमन छपे तो प्रेमन को समझ नहीं लेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बात की गई। बस इसी की बात है, भारत को पास रहेगी कहीं भारत की बात की गई कैसा भारत होगा, नागरिकों को ऐसे ऐसे न्याय और अधिकार मिलेंगे, है ना, देश एक एकांत एकांत अखंड और यूनाइट देश होगा, तो ये सारी बातें प्रेमन में देगी और यही सारा कुछ उधर डेब है। सब चर्चा तो केवल प्रेमन देखते हम जान जाए कि हमारा संविधान कैसे होगा, जैसे आप केवल प्रकार को पहला पन्ना पढ़ के आप जान जाएंगे जो पहले जो पीढ़ी होती है जो राइटर लिखने है अगर लेखक की कलम से, तो उसी को आप पढ़ने को जान जाएंगे आगे किताब कैसे होने वाली है, कौन कौन सी क्लास के विद्यार्थियों के लिए कौन से एग्जाम में कवर करता है, इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने कहा प्रीएम्बल संविधान की एक कुंजी है। ठीक है, भार्गव दास और संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी इसको कहा संविधान की आत्मा का, एक संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल 32 संवैधानिक उच्चारण का अधिकार, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, लेकिन भार्गव दास जी ने भार्गव कहते हैं संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने माना कि प्रीएम्बल है संविधान की आत्मा। ठीक है प्रीएम्बल में लिखे पहला पॉइंट देखो, प्रस्तावना प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान का दर्पण यानी आईना कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, प्रस्तावना में अभी तक
संभावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है ना। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अध्यादेश कर लिया ना सरकार 16 समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अध्यादेश सरकार 16 समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और इससे यानी कि जो दैत्वा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और इससे प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जुड़ेगा एवं अखंडता शब्द जुड़ेगा। ठीक है, संविधान सभा के एक सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तथा प्रस्तावना संविधान की आत्मा प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली माना। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख केस प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख केस
प्रस्तावना संबंधी प्रमुख 30। पहला पॉइंट लिखें बेरुवादी केस 1960। बेरुवादी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवादी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को 1960 में जो संविधान ही नहीं बना था। बेरुवादी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। बेरुवादी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना और इस कारण प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। परंतु सेकंड पॉइंट केशवानंद भारती केस 1973 परंतु केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है आप देखिए जैसे कि प्रस्तावना हो मौलिक अधिकार हो गया डीपीएसपी हो गए ये सभी जो है ना इस संविधान सभा के सदस्यों की मन की उसको व्यक्त करते हैं मन के विचारों प्रस्तावना भी तो संविधान सभा के सदस्यों के मन के विचारों को व्यक्त कर रहा है कि आगे का संविधान सभा कैसा भारत होना चाह रहे हैं नागरिकों को कैसा अधिकार देना चाह रहे हैं वैसे डीपीएसपी की राज्य नागरिकों के लिए यही अधिकार उपलब्ध कराएगा मौलिक अधिकार नागरिकों के यही अधिकार होंगे तो प्रस्तावना डीपीएसपी और मौलिक अधिकार ये संविधान सभा के सदस्यों के मन के विचारों को व्यक्त ठीक है तो भी एक पॉइंट बता करके प्रस्तावना मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी संविधान सभा के सदस्यों के मन के विचारों को व्यक्त करते और इसी तरह आपके ऊपर उधर में भी ठीक है अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सृजन नागरिकता ठीक है तो अगर हम समय में हम बैठ लेंगे जो अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कल हम लोग शुरुआत की कल की क्लास में हम बात कर लेते हैं संविधान की निर्माण है ना ठीक
कि कैसे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कराया, ठीक है, किस तरीके से संविधान सभा के सदस्य चुने गए और कैसे संविधान तो पहला पार्ट आपके रहेगा संविधान से संविधान का निर्माण, ये बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज की क्लास में कोई दिक्कत?